प्रश्नावली 3.2 में हम सवाल नंबर जो फर्स्ट था उसके फोर्थ की बात कर रहे थे, उसमें ए बी ज्ञात करना है। ए का मान दिया गया 2, 4, 3, 2, 1, 3, -2 और 5। इसमें क्या करेंगे, जो फर्स्ट रो है 2, 4 उसको हम फर्स्ट कॉलम पर लगाएंगे, फिर लगाएंगे सेकंड पे, या फिर 2, 4 को यहाँ से उठा करके और हम यहाँ रखेंगे इसके सामने 2 और 4। 2 की टक्कर हम 1 से कराएंगे, 2 × 1 ये हो गया 2, और 4 × -2 हो गया माइनस का 8। उसके बाद में 3 × 2 = 6 और प्लस में 5 × 4 = 20। उसके बाद में जब ये 2 और 4 को कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड से हमने कर लिया, उसके बाद फिर हमें पंक्ति सेकंड लेंगे 3 और 2, या रख दिया हमने 3 और 2। 3 × 1 हो गया 3, 2 × -2 हो गए माइनस के 4। फिर इससे कराएंगे कॉलम सेकंड से, 3 × 3 हो गए 9 प्लस, और 5 × 2 हो गए 10। तो 2 - 8 हो गए माइनस के 6, और 6 + 20 ये हो गए 26, और 3 - 4 - 1 और 9 + 10 ये हो गए 19, और ये आ गया इसका ऑर्डर 2 × 2। इसी प्रकार से इसमें हमें बी ए भी ज्ञात करना है। बी ए में पहले हम बी का मान रखेंगे, फिर रखेंगे ए का मान, ये भी 2/2 का है और ये भी 2/2 का है, तो इनका जो गुणा है जो संभव है इनका ऑर्डर भी हम शो कर सकते हैं 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 2। यहाँ देखते हैं 2 = 2 है तो गुणा पॉसिबल है, और जब गुणा पॉसिबल है तो किस ऑर्डर का आएगा, वो आएगा 2 × 2 = 2 का। यहाँ से हम उठाएंगे कॉलम फर्स्ट, वो पंक्ति फर्स्ट में क्या है 1 और 3 है, तो ये हम लगा दिया 1 और 3। 1 और 3 को हम 2 से करेंगे पहले, 3 को करेंगे 3 से, तो 1 × 2 = 2 इसके सामने 2 है, फिर 3 के सामने 3 है प्लस 3 × 3, फिर 4, 1 × 4 प्लस में 3 × 2, यानी 1 को हम 4 से करना है और 3 को 2 से करना है। जब ये 1 और 3 का कंप्लीट हो गया गुणा, फिर हम लेंगे पंक्ति सेकंड माइनस का 2 और 5, तो ये हो गया माइनस का 2 को करेंगे 2 से, तो -2 × 2 प्लस, फिर 5 को करेंगे 3 से 5 × 3, फिर -2 को करेंगे 4 से -2 × 4 और प्लस में 2 को करेंगे 5 से 5 × 2, ये हो गया 2 × 1 हो गया 2 प्लस में 9, 4 प्लस में 6 और -4 प्लस में 15, माइनस का 8 प्लस में 10, ये हो गया 11 और 10, 11 और 2 ये आ गया 2 × 2 = 2। इस प्रकार से हमने ए बी और बी ए ज्ञात कर लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में भी आपके 3-4 सवाल हैं। 3 का जो फर्स्ट है उसमें दिया गया है ए बी माइनस बी ए और ए माइनस बी और बी ए, इसको भी हम गुणा करेंगे। तो ए बी है जो ये जो फर्स्ट पंक्ति है उसको फर्स्ट कॉलम पे लगाएंगे, तो a × a हो गया a², फिर b × b हो गया प्लस में b², फिर ए बी को हम कॉलम सेकंड पे लगाएंगे, तो a × -b ये हो गया माइनस का ए बी, और b × a ये हो गया प्लस का ए बी। जब फर्स्ट पंक्ति को हमने फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट वो सेकंड कॉलम से कर लिया, अब लेंगे हम सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम माइनस बी और ए है, ये हो गया माइनस का बी ए प्लस में ए बी, और ये माइनस बी और माइनस बी क्या हो गया प्लस का b², और a × a हो गया a². तो इसमें ये देखते हैं माइनस का ए बी और प्लस ए बी, ये तो हो गया कैंसिल और ये भी हो गया कैंसिल, तो ये आ गया a² प्लस b², ये 0, फिर ये 0, a² प्लस b², और ये होगा 2 × 2 = 2। इसका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, तीसरे का, उसमें हम पहले कोटिक्रम चेक करते हैं। इसका कोटिक्रम 1, 2, 3, 3 होगी इसमें पंक्ति और 1 हो गया कॉलम, और यहाँ पर 1 है पंक्ति और 3 है कॉलम, यानी 1 पंक्ति और 3 स्तंभ। हम जो ये जो बीच की संख्या है ये हम चेक करते हैं, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 है, यानी 1 = 1, तो इसका गुणा पॉसिबल है यानी संभव है। जब गुणा संभव है तो फिर किस क्रम का आएगा, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, तो ये आएगा 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। इसको जब गुणा करते हैं तो यहाँ से जो फर्स्ट पंक्ति है उसको उठाएंगे, यहाँ पर 1 है, 1 को हम पहले 2 पर रखेंगे, फिर इसमें इसमें नीचे कोई एलिमेंट है नहीं है,
फिर थ्री पे रखेंगे, फिर फोर पे रखेंगे, यानी यहाँ पर हम पहले वन लगाएंगे तो वन की टक्कर पहले दो से कराएंगे, फिर थ्री से कराएंगे, फिर फोर से करवाएंगे। तो ये हो गया वन इन टू में टू, फिर यहाँ पर वन इन टू में थ्री, वन इन टू में फोर, और ये मैट्रिक्स प्राप्त होगा थ्री इन टू में थ्री का। फिर यहाँ टू है, यहाँ टू उठाएंगे, टू इन टू में टू, टू इन टू में थ्री, टू इन टू में फोर, फिर पंक्ति थ्री है, थ्री इन टू में टू, थ्री इन टू में थ्री, और थ्री इन टू में फोर। तो ये हो गया टू थ्री फोर, फोर सिक्स एट, सिक्स नाइन, और ये हो गया ट्वेल्व, और ये आ गया थ्री इन टू में थ्री। थर्ड में भी मल्टीपल करना है। थर्ड में क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में वन माइनस टू, टू थ्री, वन टू थ्री, टू थ्री वन, जब इसका ऑर्डर चेक करते हैं तो ये हो गया टू इन टू में टू, और ये हो गया टू इन टू में थ्री। तो यहाँ देखते हैं टू इज इक्वल टू टू, तो इसका जो गुणा है वो संभव है, और गुणा जब संभव है तो किस क्रम का आएगा, यहाँ रह गया टू, यहाँ रह गया थ्री, ये आएगा टू इन टू में थ्री, यानी टू तो रहेंगी, टू तो रहेंगे इसमें वो पंक्ति और थ्री रहेंगे स्तंभ। इसको गुणा करेंगे इससे, ये जो वन और माइनस टू है ये पहली पंक्ति है, इसको हम इसके ऊपर लगाएंगे फर्स्ट कॉलम पर, तो वन इन टू में वन हो गया वन, और माइनस टू इन टू में टू हो गया माइनस का फोर, इसके ऊपर लगाएंगे ये हो गया टू माइनस का सिक्स, फिर कॉलम थर्ड पर लगाएंगे वन इन टू थ्री, ये हो गया थ्री और माइनस का टू। फिर जो पंक्ति सेकंड है टू थ्री को इसके ऊपर लगाएंगे फर्स्ट पर, तो ये हो गया टू इन टू में वन टू, ये हो गया प्लस में थ्री इन टू में टू सिक्स, और टू इन टू में टू ये हो गया फोर, और थ्री इन टू में थ्री ये हो गया प्लस में नाइन, और ये हो गया थ्री और वन पे लगाएंगे सिक्स प्लस में थ्री। तो इसको करेंगे हम सरलीकरण, माइनस का थ्री, माइनस का फोर और वन, और ये हो गया एट थर्टीन, और ये नाइन, इसका ऑर्डर हो गया टू इंटू में थ्री।